वीडियो आप देखे उससे पहले मैं आपको अपने चेहरे का ग्लो दिखा देती हूँ गाइज अभी डेढ़ से दो घंटे पहले मैंने ये फेस पैक यूज किया है एंड इसका ग्लो आप मेरे चेहरे पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कुछ भी मैंने बेस जैसा नहीं लगाया है तो सबसे पहले आप इसका रिजल्ट देख लीजिए हाय एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं रंजना एंड आर वाचिंग रंजना और सो so सबसे पहले थैंक यू सो मच माई लवली व्यूअर्स माई लवली सब्सक्राइबर मुझे लाइक करने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए गाइस जो मेरे चैनल पे आज न्यू उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वोमन तो आपको यहाँ पे शॉपिंग मॉल मेकअप वीडियो बहुत सारे डीआईवाई और साथ ही प्रोडक्ट के रिव्यू भी जानने को मिलेंगे तो गाइस आपके लिए ये चैनल ओवरऑल बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ये जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसको आपको करना है प्रेस और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच गाइज उसके जस्ट बगल में आ रहा होगा नोटिफिकेशन बटन उसको जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपके पास पहुंचे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले नाउ गाइज आप जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो

तो आज की वीडियो में आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं आपका बहुत ज्यादा पार्लर का टाइम बचने वाला है और साथ ही साथ आपकी स्किन में पार्लर वाली दीदी जो भी फेशियल आपके चेहरे पे करती है उसका ग्लो आता है तीन दिन बाद आप फेस्टिवल के एक दिन पहले आप पार्लर जाके फेशियल कराते हो ग्लो नहीं मिलता ना आपको अपने स्पेशल ओकेजन के लिए तो आज मैं आपको जो फेस पैक बता रही हूँ उसका ग्लो आएगा इंस्टेंटली मतलब कि पार्लर के ग्लो के पहले ही आपका चेहरा जाएगा ग्लोई ग्लोई ठीक है तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ग्लोइंग पैक या कह कालापन है घर के किचन इंग्रेडिएंट से बनाना है सारे ही प्रोडक्ट आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं और साथ ही ये जो फेस पैक है ये सुपर अफोर्डेबल है आपके सारे पैसे फेशियल वाले बच जाने तो नाउ अब जल्दी से देखते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाना है कैसे अप्लाई करना है एवरीथिंग सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट की इस मैजिकल फेस पैक को बनाने के लिए कर लिया है बेसन लिया है गैस थर्ड इंग्रेडिएंट है चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं का ले लीजिएगा लास्ट है आपका कस्तूरी मंजल कस्तूरी मंजल आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है गैस ठीक है खाली बोल मैंने एक लिया है और यहाँ पर आपको प्रपोशन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है सबसे पहले अप्रॉक्स वन टेबल स्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन अगर आपने इतना बेसन नहीं लिया है कम लिया है तो गैस जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है उसका भी प्रपोर्शन आप बराबर ही रखिएगा ज़्यादा ले रहे हो तो ज़्यादा और कम ले रहे हो तो कम ठीक है वैसे ही जो प्रोपोर्शन मैं आपको बता रही हूँ ये आपके फेस एंड नेक पार्ट के लिए सफिशियंट है तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा कस्तूरी मंजल कस्तूरी मंजल जो होता है वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है स्किन में जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको भी लाइटन करता है अब अगर आप प्योर हल्दी ले रहे हो तो इसकी जो मात्रा है वो हाफ़ कर दीजिएगा बहुत पिंच भर आपको चाहिए होगा ठीक है इस फेस पैक में किसी भी तरह का कोई लिक्विड नहीं यूज होना है आपको सिंपल यूज़ करना है कर्ड गाइस जो कर्ड है वो लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है साथ ही साथ ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन रखता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से लाइटन भी करता है क्योंकि इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड ठीक है अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है इसकी मिक्सिंग में आपको दो से तीन मिनट दे दीजिएगा गैस ताकि इस फेस पैक में किसी भी तरह का कोई लम्स ना हो बहुत स्मूथ आपका ये मार्केट वाला जैसा आपका उपटन फेस पैक आता है बिल्कुल वैसा ही ये एक फेस पैक आपकी स्किन के लिए रेडी हो रहा है यही आपकी स्किन की जितनी भी फ्लेक्स होती हैं उनको कट करता है डलनेस को हटाता है आपकी स्किन में जो गईस मौसम चेंज होता है तो आपकी स्किन बहुत बुझी बुझी लगने लगती है उसको इंस्टेंट ग्लो करता है और साथ ही साथ ये आपकी स्किन में जो भी डार्क स्पॉट ब्राउन स्पॉट और पिगमेंटेशन होता है उसको भी धीरे धीरे करके कट करता है एक्चुअली गाइस इसको वीक में आप दो बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर वीक में आप वन टाइम और मंथ में आप फोर टाइम यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से स्किन लाइटनिंग पे भी वर्क करता है ये हमारा उपटन यहाँ पर रेडी है आपको इसको जब भी अप्लाई करना है तो आपको इसको अपने नीट एंड क्लीन फेस पे ध्यान रखिएगा गाइस किसी भी तरह का ऑयल आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए तो फेस वॉश कर लीजिएगा देन इस फेस पैक को अप्लाई कीजिएगा ये जो फेस पैक है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है एक्चुअली गायस इसको आपको अप्लाई करना है एज अ फेस पैक और आपको इसको हटाना है एज अ स्क्रब वो इसलिए गायस ताकि ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से हाइड्रेशन और ग्लो को बूस्ट करे और साथ ही साथ ये आपकी स्किन के फ्लेक को हटाए जितना भी आप फेस पैक जब अप्लाई करेंगे तो जितनी भी डेड सेल्स आपकी ढीली पड़ेंगी वो स्क्रब के टाइम पे आपकी स्किन से हट जाएंगी और नीचे की जो स्किन है वो बहुत ही ब्यूटिफुली आपको शो करेगी और आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा एक ग्लो भी आता है तो इसको अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए बहुत ही जेंटल है हर एक स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं इसीलिए मैंने जो यहाँ पे कर्ड की सलाह दी है आपको वो दी है आपको बिल्कुल भी नॉन ऑयली वाला मतलब कि ये आपको विदाउट क्रीम वाला यहाँ पे यूज़ करना है ठीक है गा? इस कर्ड वही यूज़ कीजिएगा इसको हटाने का टाइम हो गया है ट्वेंटी मिनट के बाद आपको इसको हटाना है जब हटाना है तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने फिंगर्स को गीला करना है अपने हाथ को गीला कर लेना है या आप स्प्रे से अपने चेहरे पे स्प्रे कर लीजिएगा वाटर का देन आप इसको अच्छे से जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ जैसा आप स्क्रब करते हो उस वो आपको करना है थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड तक रिजल्ट आपके सामने है गाइस बहुत ही मैजिकल इसका रिजल्ट होता है इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा स्किन एकदम से आपकी पॉलिस्ड और शाइनी दिखने लगती है इस फेस पैक को अप्लाई करते सो वीडियो को देखा है आपने यहाँ तक इसका मतलब आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आई है गाइज अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस तरह की ब्यूटी वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो उसके लिए घंटा बटन होगा द बेल आइकन उसको भी हिट कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और इसको दूसरे से शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग अगर आप दूसरों से शेयर करते हैं तो वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और आपके एक शेयर से उनकी हेल्प हो जाती है तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय गाइस